सुनो, अब बातें बंद कर दो, अब पढ़ाई शुरू करते हैं। बोलना बिल्कुल नहीं, आज से जो भी क्लास होगा ना यूट्यूब पे जाएगा, ठीक है? पहले तो बहुत सारी बातें वगैरह मस्ती वगैरह कर लेते थे, वो अभी जो है एक दो मिनट सुबह का शुरू का मैं नहीं काटूंगा, क्योंकि इतना मेरे पास समय नहीं है। बातें हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है? जो है पूरा डायरेक्ट जाएगा, ठीक है? तो जो भी चीज़ मैंने बोला वो सब उसमें से हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए बातें उतने मत करना, शोर शराबा नहीं, एकदम इशारे में बस क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है? द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन, द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टेटिक्स में हमने क्या पढ़ा था बताओ? चार्ज के बारे में पढ़ा था, लेकिन रेस्ट में था। पोटेंशियल में किसके बारे में पढ़ा था? चार्ज के बारे में पढ़ा था, रेस्ट में था, है ना? और यहाँ पे उस चार्ज के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो मोशन में हो, ठीक है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। चैप्टर वन चैप्टर टू इलेक्ट्रोस्टेटिक्स था, दोनों ही इलेक्ट्रोस्टेटिक्स था। ऐसा नहीं कि चैप्टर वन इलेक्ट्रोस्टेटिक्स था, चैप्टर टू पोटेंशियल भी है तो भी इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर आ जाता है। मतलब चैप्टर वन चैप्टर टू एक फिजिक्स का एक पार्ट था जो इलेक्ट्रोस्टेटिक्स के अंदर आते थे, जिनमें हम इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट के बारे में स्टडी करते थे, मतलब किए थे। अभी जो हम पढ़ेंगे वो मूविंग चार्ज के बारे में। चार्ज मोशन में रहेगा तो चार्ज जब मोशन में होता है तो वही तो करंट होता है, वही तो मूव करता है, ठीक है? अब हेडिंग दो, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वही है, सेम है। हाँ सही है, स्टार पंडाल के लिख लो। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूएट्स एन इलेक्ट्रिक करंट क्वांटिटेटिवली इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया परपेंडिकुलर टू एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे लिखा हुआ है, इधर पे देख लो, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज डिफाइंड एज द कंटिन्यूअल है, डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस दैट एरिया पर यूनिट टाइम। इफ अ चार्ज, नेक्स्ट पॉइंट, इफ अ चार्ज डेल्टा क्यू पासेस थ्रू एन एरिया इन टाइम टी प्लस डेल्टा टी, टी प्लस डेल्टा टी, देन द करंट I at time t, current I at time t is given by
आई इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टाइम्स टू जीरो डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी, जिसको हम डी क्यू बाय डी टी भी बोलेंगे। और वैसे अदरवाइज जो चार्ज होगा तुम्हारा आई इज इक्वल टू क्यू बाय टी होगा, ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर कॉन्स्टिट्यूएंट्स एंड इलेक्ट्रिक करंट, जब इलेक्ट्रिक चार्ज जब फ्लो होता है तो उससे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट डेवलप हो जाता है तुम्हारा, ठीक है। क्वानिटेटिवली हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है किसी भी कंडक्टर में वो जो फ्लो करता है, मतलब उसमें जो चार्ज फ्लो करता है वो उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर फ्लो करता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो होता है चार्ज फ्लो करना क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर। मान लो ये कंडक्टर है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट का मूवमेंट होना मतलब इसमें चार्ज फ्लो करना क्रॉस सेक्शनल एरिया के परपेंडिकुलर, मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया तो ये है इसके परपेंडिकुलर इधर की तरफ करेगा, ठीक है। ये बात लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट इन अ कंडक्टर अक्रॉस एन एरिया हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अब इसको आगे कंटिन्यू कर दे, इज डिफाइंड एज द, और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है। डिफिनेशन भी एक ही साथ ले लिया गया है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग अक्रॉस द एरिया पर यूनिट टाइम। ये देखो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू, ये देखो फ्लोइंग थ्रू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर यूनिट टाइम, मतलब क्यू बाय टी। ये हो गया तुम्हारा चार्ज का जो मतलब करंट का जो मेन फॉर्मूला है, यही हो गया। मतलब हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जो होगा इलेक्ट्रिक चार्ज डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज बाय टाइम। अब बोला गया उसके बाद जो हमने लिखा कि ई पर चार्ज डेल्टा क्यू पास थ्रू एन एरिया इन टाइम टी टू टी प्लस डेल्टा टी, जेन द करंट आई एट टाइम टी इज गिवन बाय, ये तुम्हें समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। ये परंतु ये कुछ नहीं है, मैंने बोला कि सपोज करो कि कंडक्टर है इससे करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि एक गिवन इंस्टेंट पे इस जगह पे बताओ, इस जगह पे बताओ, इस पार्टिकुलर पॉइंट पे बताओ कि कितना करंट फ्लो हो रहा है। नई बात समझ में, यही बात लिखा हुआ है कि चार्ज डेल्टा टी पास थ्रू एन एरिया इन द टाइम टी, मतलब टाइम टी से टी प्लस डेल्टा टी। मैं बोलूँगा यहाँ पे बताओ, इसके जस्ट बाद बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, यहाँ पे बताओ, अब समझ में इसलिए डेल्टा टी प्लस डेल्टा करंट आई एट टाइम टी इज गिवन बाय, मतलब आई इज इक्वल टू जो होगा किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर जब हम चेक करेंगे तो टाइम जीरो हो जाएगा, लिमिट लग जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, एग्जैक्ट जीरो नहीं अप्रोचेज जीरो। अब समझ में, जैसे अभी ये देखो ये करंट, ये देखो यहाँ से मान लो ये करंट ये पार्टिकुलर टी यहाँ पे ऐसे करके मूव जा रहा है, मैंने बोल दिया इस जगह पर बताओ, इस जगह पर क्या होगा एक सेकंड पूरा नहीं होगा, अब समझ में। तो लिमिट पूरा एग्जैक्ट जीरो नहीं, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी क्यू बाई डी टी। अब बोलेंगे कि इस जगह पर इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर पार्टिकुलर पॉइंट पर तो पूरा फुल चार्ज भी नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ये है ये है ये है बहुत सारे, नहीं बस समझ में। जैसे जैसे करंट जा रहा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं ना, मैंने बोले इस पॉइंट पर बताओ, तो टाइम तो जीरो हो ही गया। और ये भी हम एक छोटे से पार्टिकल के बारे में स्टडी कर रहे हैं, मतलब एक छोटे से, अब ये वायर इतना मोटा है, ये वायर इतना मोटा है, मैंने बोला इस पॉइंट पर बताओ, इस पॉइंट पर बताओ एक गिवन इंस्टेंट पे, अरे समझ में। तो इसलिए यहाँ पे चार्ज में भी डेल्टा टी लग जाए, डेल्टा क्यू का डेल्टा टी, मान लो ये सरफेस एरिया होता था, ये पूरा एरिया ए होता था, हम इस पे इतना बेस्ट भी करते थे कि ये डी ए नहीं हो जाता था, ठीक इसी प्रकार से कि ये इसमें तो बहुत सारे पार्टिकल फ्लो कर रहे हैं, बहुत सारे चार्ज फ्लो कर रहे हैं, एक ही चार्ज थोड़ी है, बहुत सारे चार्ज है, तो हम इस पॉइंट पर स्टडी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो डेल्टा टी जगह जीरो, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम तो आई नहीं, इस पॉइंट पर जब इस पॉइंट होता है, इस पॉइंट होता है, तो डेल्टा टी टेंस टू जीरो डी क्यू बाई डी टी, डेल्टा टी डेल्टा डेल्टा टी हो या डी क्यू बाई डी टी, एक बात ही बोली, ये आ गया समझ में अच्छे से। और हाँ, इसको जो बोलेंगे, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस करंट, क्या बोलेंगे, ये जो है ये इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अब ये भी है इलेक्ट्रिक करंट लेकिन ये इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, लिख लो गिवन इंस्टेंट पे इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस करंट, ओके। जो बच्चे बाद में वीडियो देख रहे हैं तो वो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ लें, ठीक है, और उसके बाद जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस है वो भी पढ़ लें। ये दोनों चैप्टर अगर आप अच्छे से पढ़ें तब जाके करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको अच्छे से समझ में आएगा,
कोई भी टीचर से पढ़ लीजिए, आपको पसंद आए नहीं, मतलब आपको अगर ये दोनों चैप्टर नहीं आता है तो ये समझ में नहीं आएगा, कितने भी अच्छे अच्छे टीचर क्यों ना पढ़ा ले आपको, ठीक है, पूरा समझ में नहीं आएगा। आगे लिखिए ऐसा यूनिट ऑफ द करंट, क्या होता है ऐसा यूनिट ऑफ करंट। अच्छा एक बात बताओ, कौन सा ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिनके पास यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, यूनिट भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन क्या कहता है, द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। लेकिन एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन लेकिन फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर नहीं है। एम्पियर है, एम्पियर क्वांटिटी है, मारेंगे सर फोड़ देंगे, एम्पियर तो ऐसा ही नहीं है। याद करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट मैग्नीट्यूड भी है, 2 एम्पियर 3 एम्पियर 4 एम्पियर फ्लो करता है ना, इसका डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है, इधर मर्जी इधर जिधर जिधर मोड़ दो, अगर मान लो यहाँ से वायर आया है, अब मेरा मर्जी वो यहाँ पे काट के इधर खींच लिए, इधर खींच लिए, इधर खींच लिए, इधर खींच लिए, कोई डायरेक्शन नहीं, ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा के ले आओ, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, सुनना, जिनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन सटीक क्या होगा सर, तो भाई वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन अब बदल जाएगा 11th में, तो वेक्टर क्वांटिटी का डिफिनेशन ये हो जाएगा कि दोज क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन एंड फॉलो द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ को भी फॉलो करेगा तब जाके, तो ये नहीं फॉलो करता ट्रायंगल लॉ को, ठीक है ना। तो इसलिए ये जो है तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी है। फिलहाल हम ऐसा यूनिट के बारे में पढ़ रहे थे, ऐसा है यूनिट ऑफ करंट, क्या होता है यूनिट ऑफ करंट, ऐसा यूनिट ऑफ करंट एम्पियर, ठीक है, जिसको ए से हम यूनिट करते हैं, एम्पियर एम्पियर, ठीक है, जिसको ए से यूनिट करते हैं। एक एम्पियर कितना होता है, व्हाट इज वन एम्पियर, वन सेकंड में, तब हम बोलेंगे कि 1 कूलम पर सेकंड है, ठीक है ना। तो लिखो 1 कूलम If 1 coulomb of charge crosses an area in one second, then the current through that area, electric current होगा। हाँ एक ही बात हुई, then the current through electric current ही होगा ना, that area in 1 एम्पियर, ठीक है, मतलब 1 एम्पियर जो होगा तुम्हारा वो हो जाएगा 1 कूलम डिवाइडेड बाय 1 सेकंड, मीन्स 1 ए जो हो जाएगा तुम्हारा हो जाएगा 1/1 हो जाएगा सी एसी माइनस, ठीक है, कूलम पर सेकंड, ठीक है। बता दें नेक्स्ट, एम्पियर इज वन बेसिक ऐसा यूनिट वी सेल फॉर्म ली, मतलब ये एक बेसिक यूनिट होता है ऐसा यूनिट, लेकिन हम यहाँ पे मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर ये सब भी यूज करते हैं, ठीक है। एम्पियर इज वन बेसिक यूनिट ऐसा यूनिट, बेसिक ऐसा यूनिट, but we shall only define it in chapter 4 in terms of magnetic effect of current,
smaller currents are expressed in following smaller current are expressed in following unit. 1 एम्पियर जो होता है बेसिक ऐसा यूनिट होता है, इसको जो हम डिफाइन करेंगे चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक कारण क्या इफेक्ट होता है, तब जाकर तो और भी अच्छे से आएगा। लेकिन यहाँ पे और भी हम छोटे वैल्यू का यूज कर देते हैं, जैसे 1 फराड केमिस्ट्री में यूज करते थे, 1 फराड मैंने बताया था कितना ज़्यादा होता है, जो मतलब अर्थ का कितना टाइम्स था, 30 टाइम्स था, 13 टाइम्स अप्रॉक्स आया हुआ था ना, तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार जो तुम्हारा 1 एम्पियर ये तो एक्चुअली पॉसिबल है, लेकिन हम इससे छोटे यूनिट का भी मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर का भी यूज करते हैं। ठीक है, तो 1 मिली एम्पियर कितना हो जाएगा, कितना होता है सीजन 1 MA लिखा होता है ना, हाँ 10^-3 एम्पियर। ठीक है, 1 माइक्रो एम्पियर, 1 माइक्रो एम्पियर 1 μ इज इक्वल टू 10^-6 एम्पियर। तो इसका भी ज़्यादातर यूज होता रहता है एम्पियर के अलावा। अब बात करेंगे डायरेक्शन ऑफ करंट की। डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ने के लिए हमारे पास 3 टॉपिक होंगे। एक तो होगा तुम्हारा कन्वेंशनल करंट का डायरेक्शन, ठीक है, कन्वेंशनल करंट। दूसरा जो होगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक करंट, और थर्ड जो होगा तुम्हारा स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। ये 3 टॉपिक इसमें पढ़ेंगे डायरेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। सपोज करो कि कन्वेंशनल करंट क्या था, बहुत पहले मतलब ये कॉन्सेप्ट आया हुआ था, बोल रहा था कि मान लो कि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है, ठीक है, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो ये था तुम्हारा कन्वेंशनल करंट, क्या था, कन्वेंशनल करंट। ठीक है, अब समझ में, जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक करंट वाली बात आई तो बोला था कि नहीं पॉजिटिव चार्ज मूव नहीं करता, इलेक्ट्रॉन मूव करता है, नेगेटिवली चार्ज मूव करता है, ये हुआ ना बाद में, तो नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, मान लो ये नेगेटिव चार्ज है, ये इधर की तरफ मूव कर रहा है, इस टाइम पे कॉन्सेप्ट बदल गया। इसमें बोला गया कि जिधर की तरफ नेगेटिव चार्ज मूव करेगा ना, मतलब ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक करंट है, मतलब इसको हम क्या बोले, मान लो ये जो मूव इधर कर रहा है, ये तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट मीन्स जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन जिधर की तरफ मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, यह तुम्हारा करंट, यह करंट, ठीक है, करंट। और इलेक्ट्रॉनिक करंट मीन्स इलेक्ट्रॉन का करंट, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन जिधर की तरफ मूव कर रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो इलेक्ट्रिक करंट है वो मतलब जो करंट है अपना वो पास करेगा। इसमें कहता है कि जिधर की तरफ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, मूव कर रहा था उधर की तरफ ही, तो ये कन्वेंशनल मतलब पहले के आगे होगा कॉन्सेप्ट, और ये अब लेटेस्ट हुआ स्केलर क्वांटिटी, ये हम अभी पढ़ने वाले, मतलब ये 3 टॉपिक पढ़ने वाले, लिखने वाले अच्छे से सबके बारे में, अभी जस्ट एक समराइज करा के दिया। अगला टॉपिक अपना होने वाला कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है, हेडिंग दे दो कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल के लिखा दो क्या, कन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक जो तुम्हारा पास, सॉरी इलेक्ट्रिक बोल दिया, पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो था ना जितना बड़ा था उतना ही ये भी है, तो पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ज़्यादा दिन हमने नहीं चला, उतना नहीं उसका, उससे बहुत कम है, उसका 70% कह सकते हैं, हाँ मतलब उसके तुलना में अगर वो 10 स्केल पे हो तो ये 7 स्केल पे होगा। अब समझ में, कहने का मतलब ये आराम से ये चैप्टर अपना फिनिश हो गया और एक चैप्टर और हम पढ़ लेंगे। मैंने तुमसे वादा किया हुआ था कि कम से कम मैं 4 चैप्टर पढ़ा के दूंगा, ज़्यादा जितना हो जाए, ठीक
ठीक है, तो उतना मैं करा के तुम्हें दे दूंगा, और जितना मैं कराया वो अच्छे तरीके से करें, मतलब उसमें कुछ भी नहीं छोड़ा, जीरो टू इनफाइनाइट लेवल, ठीक है ना। और तुम्हें बता रहे थे, एक बच्चा सुबह में बोल रहा था कि सर मेरा एक चैप्टर में एक टोटल भर गया, मोटा बोला ले जो लॉन्ग नोटबुक होता है, सही में क्या तेरा नहीं, तेरा हाफ भरा दो आ गया, दो आ गया एक में, दोनों चैप्टर आ गया एक कपूर में। अच्छा लिखो बाय कॉन्वेक्शन, क्या लिखा, कॉन्वेंशनल एंड इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये दे दिए। हाँ अब लिखो बाय कॉन्वेंशन, बाय कॉन्वेंशन, सी ओ एन वी ई एन टी आई एन, कॉन्वेंशन, बाय कॉन्वेंशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द, इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो डायग्राम में हमने समझा वही चीज लिख रहे हैं, ठीक है ना। फुल स्टॉप। हाउएवर अ नेगेटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज, एन इक्वल पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, एज शोन इन द बाय कन्वेंशन, ध्यान से सुनो, द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इज टेकन एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, मतलब पॉजिटिव चार्ज जो है ना उनका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में लेंगे। हाउएवर अ नेगेटिव चार्ज मूविंग इन वन डायरेक्शन इज इक्विवेलेंट टू एन देखिए इक्वल पॉजिटिव चार्ज मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, अभी हम फिगर बताए थे और हम अच्छे से उस फिगर को बना दे रहे हैं, ठीक है। फुल स्टॉप। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, एज द इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल सो दैट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक करंट लिखना, इलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रॉनिक करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट ब्रैकेट में लिखना, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है ये वहां पे लिख लो, द करंट कॉन्स्टिट्यूटेड सी ओ एन एस टी आई टी यू टी ई डी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ब्रैकेट क्लोज इज अपोजिट टू दैट ऑफ द कॉन्वेंशनल करंट, कॉन्वेंशनल करंट मतलब ये आई जो मैंने लिखा है करंट, ठीक है, ये कॉन्वेंशनल करंट है। एक बार पढ़ के देखो तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा, ठीक है। मैंने जो बात बताया था वही बात लिखा हुआ है। मान लो ये कंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है, ये वाला डायग्राम लास्ट में तुम थोड़ा बना देना, ये डायरेक्शन है कॉन्वेंशनल करंट, ठीक है, मीन्स आई का डायरेक्शन, और दूसरा डायग्राम यहाँ पे बना देना, बोला इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का इधर की तरफ हो रहा है, ठीक है, ये डायग्राम बना लो, तो इलेक्ट्रॉनिक करंट ये जो है तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये इधर की तरफ बना होगा, ये इलेक्ट्रॉनिक करंट इधर की तरफ होगा ना, इलेक्ट्रॉनिक करंट कन्वेंशनल करंट किधर की तरफ होगा, इधर की तरफ, आई आई है कन्वेंशनल करंट, आई है तुम्हारा करंट और ये कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव चार्ज है, समझे, कन्वेंशनल करंट गलत बोल दिया मैंने, पॉजिटिव चार्ज कन्वेंशनल करंट, ठीक है। पहले ऐसा बोला जाता था कि पॉजिटिव चार्ज इधर मूव करेगा करंट उधर की तरफ मूव करेगा, तो ठीक है इसका उल्टा जाए, पहले नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा उसका क्या जो तुम्हारा करंट है वो मूव करेगा, ये पढ़ के देखा आ गया, सेम टू सेम वही बात है। अभी पढ़ के देखे थे आ गया, पूरा क्लियर हुआ, क्लियर हुआ रेस। ऑनलाइन वाले कौन है, परमिता है, परमिता हमें तो लगा कोई है ही नहीं, सभी लोग मतलब मेला घूमने के लिए गए,
परमिता है, इच्छुक है तानिया, इसलिए मैं तुम लोग से बात नहीं कर रहा था। आया समझ में जो बात हमने बताया, वो पूरा क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तीनों लोग रख दो। हाँ सर, हाँ सर। मजेदार है ये चैप्टर, ठीक है। नीचे लिखो स्टार पहले का, यहाँ पे लास्ट में लिख दो डायग्राम के नीचे। फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस, फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस यहाँ पे लिख दो नीचे। फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्जेस इक्विवेलेंट टू द, इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन। फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज इज इक्विवेलेंट टू द फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन अपोजिट डायरेक्शन। आज अपने सारे बच्चे पता है इचू भाग्य मेला देखने, पहले बोलता है इसको फोन करते हैं अभी को कि 10 मिनट में आएंगे हम लोग, अभी फोन करते हैं कि अरे प्रसाद उरसाद हम लोग नहीं खाए, ठीक है। इसलिए मैं शुरू शुरू में स्लो पढ़ रहा था, ठीक है ना। प्रसाद उरसाद नहीं खाए, प्रसाद खाएंगे उसके बाद सोचे आने के। मैं बोला ठीक है, कोई बात नहीं। एक और स्टार पर लिखो, अल्दू, ALTHOUGH, अल्दू, एक ही बात है। इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक करंट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, येट इट इज स्केलर क्वांटिटी, येट इट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है, एक ऐसा क्वांटिटी है जिनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है, और उसके बाद भी वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। जैसे डायग्राम के थ्रू तुम्हें समझाने की कोशिश करेंगे तो वैसे समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात नहीं है। मान लें कि एक करंट है, मतलब एक वायर है, ठीक है, जिसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये वो एक वायर है जिसमें 3 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। एक दूसरा वायर है, ठीक है, जो 90 डिग्री पे है इससे, मतलब बी ओ वायर, जिसमें 4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो उसी वायर है उसके साथ जुड़ा हुआ, इसमें कितना एम्पियर का करंट फ्लो होगा? 4 + 3 = 7, ठीक है, 7 एम्पियर। इसमें बताओ कोई ट्रेंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ कुछ लगाने की जरूरत पड़े? ऐसा जरूरत पड़े कि भाई अब मान लो, सपोज करो कि एक तार है, एक वायर है, इसको तुमने बोला कि भाई इधर अपने घर पर ये करंट जा रहा है, तुमने यहाँ पे कट लगाया थोड़ा सा छीला, इधर से एक वायर खींच लिया, इधर से खींच लिया, उधर भी करंट जा रहा है, इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है, ठीक है ना। बहुत सारे जिधर मर्जी घुमा फिरा के जैसे मर्जी ले जाओ, ऐसा थोड़ी बोलता है कि नहीं भाई तुमने वायर ए लिया उसको 60 डिग्री पे वायर बी लेना है, उसके बाद वायर सी लेना है, ऐसे करके ऐसे तो नहीं ना बोलते हैं। इसलिए ये स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, एक क्वेश्चन लिखो, 10^20 इलेक्ट्रॉन, 10^20 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स ईच हैविंग चार्ज और 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, 1.6 × 10⁻¹⁹ मतलब इलेक्ट्रॉन का ही चार्ज है, ठीक है। पास फ्रॉम अ पॉइंट ए टुवर्ड्स अनदर पॉइंट बी इन 0.1 सेकेंड, इन 0.1 सेकेंड, व्हाट इज द करंट इन एम्पियर एंड व्हाट इज इट्स डायरेक्शन। अपना जो कैमरा का सेटिंग है ना ग्रेस, वो यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से सही नहीं है। यूट्यूब के हिसाब से देखा जाए तो अपना कैमरा इधर पे होना चाहिए, ठीक है। मैं हमेशा तुम्हारे तरफ देख के बात करता हूँ, ठीक है। तो जब मैंने वीडियो लेकर के देखा था वैसे ही ट्रायल के लिए, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि साइड से वीडियो बनाया गया, मतलब कैमरा होना चाहिए इस एंगल पे। तो अपना कैमरा तो फिक्स है, नहीं वो तो फिक्स है, उसको तो मिला डुला नहीं सकते। तो अब जैसा है वैसा ही चल रहा होगा, ठीक है, क्योंकि अपना मेन तो ऑफलाइन क्लास है,
एक यूनिक स्टाइल हो गया, जैसे कोई भी यूट्यूबर पढ़ाते हैं तो ऐसे पढ़ाते हैं, ठीक है, मतलब पूरा फ्रंट जैसे अभी मेरा देखो दिख रहा है ना, पूरा ऐसे बातें करेंगे, हम तो उधर से पढ़ाते हैं, अपना कैमरा गलत जगह पर लगा हुआ है, ठीक है, उस जगह पर लगा नहीं सकते, अपना क्लासरूम का पूरा ये बिगड़ जाएगा। ट्राइपॉड का इस्तेमाल अगर हम करते हैं तो बार बार अभी हिल गया, टूट गया, पैर लग गया, तो वो ओनली ऑनलाइन क्लास के लिए होता है, मतलब जो पूरा डिजिटलाइजेशन है ओनली ऑनलाइन क्लास, अपने को तो दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन एक साथ चलाना है, इसलिए ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा। अगर इधर पे होता तो मेरे से इधर पे कैमरा है दिक्कत हो रहा है, अगर इधर पे होता तो फिर मैं अगर यहाँ पे भी आके लिखता तो भी क्लियरली लिखता। इस क्वेश्चन पे फिलहाल करते हैं, इसमें क्या बोला, क्या हुआ? वो बस बोल रहा था कि क्लास 3 तक ना मैंने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया जो प्रॉपर लोकली पता या I is equal to क्या होता है Q by T, तो quantization of charge पढ़े थे सर जी, quantization of charge क्या था, Q is equal to any, याद है? Q is equal to any, तो ये जो Q हो जाएगा any, n क्या था, n क्या था, number of electrons क्या था, E जो था तुम्हारा मतलब charge of electron, ठीक है, divided by T तो है T, तो बस normal से है, 10 to the power 20 into क्या दिया हुआ है 1.6 into 10 to the power minus 19 divided by time कितना 0.1 इसको आप सोल्व करेंगे आएगा आपका 160 एम्पियर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। उसमें ए बी की भी बात किया है, वो भी समझा देता हूँ, देखो क्या बोला कि ए बी तो नाम मैंने तेरा परंतु यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, हाँ ए सी एच यू और ए बी ए बी, इसका ए बी का नाम तो ए बी है, ठीक है, अब सुन हला नहीं तो हमसे पूछा गया कि व्हाट इज द करंट इन द एम्पियर, तो करंट तो हमने निकाल लिया कि एम्पियर में कितना होगा, इतना एम्पियर होगा, लास्ट में पूछ दिया व्हाट इज इट्स डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगा, तो ये ए से बी की तरफ जा रहा है तो करंट किधर की तरफ जाएगा, बी से ए की तरफ जाएगा ना, मतलब आई का फ्लो इधर होगा, तो ये डायग्राम नीचे बना दो और नीचे लिख दो कि द डायरेक्शन, लिख दे रहा हूँ मैं कोई बात नहीं, द डायरेक्शन ऑफ करंट इज फ्रॉम बी टू ए, कभी कभी क्या होता है ना एड्रेस क्वेश्चन देखे, अरे यार एकदम आसान है, फटाक से करना, मैं एकदम कर दिया आंसर निकाल दिए, आई इज़ इक्वल टू क्यू एनी बाय टी, बस आंसर निकाल के यहाँ पे छोड़ दिया, आगे देखना भूल ही जाते हैं, पता चलता है 3 नंबर गए थे, 2 नंबर मिले, 1 नंबर, तुमने तो डायरेक्शन लिखा नहीं, ज्यादातर होता है, अभी हम भी छोड़ने वाले थे, फिर देख रहे हैं अरे भाई व्हाट इज द डायरेक्शन पे छूट ही गया, ठीक है, तो डायरेक्शन भी लिखना है। तुम लोग का जो बैच है ना काफी अच्छा बैच है, जो जेएनयू के बच्चों का है, अगर ये बच्चे मुझे परमानेंटली मिल जाते हैं ना पूरा, अभी देखो 2 महीने में मैंने 1 महीने में कितना ज़्यादा पढ़ा के दिया, 4 चैप्टर करा के दिया, ठीक है, 200, 250, 300 पीस का नोट्स बनवा दिया, नहीं बनवा दिया, तो अगर ये बच्चे 10 महीने पढ़ लेते, आज मैंने क्या बोला सुबह के क्लास में पता है, कि एक क्लास और केमिस्ट्री का कल मैं लेना चाहता हूँ, और कल हम तुमको तेरे लिए बस लेने वाले थे, कल नहीं कल सुबह में तुम जा रहा है ना, वो तो मुझे पता है, तो तुम अगरतला में पढ़ते हो ना, तो मैंने इसीलिए सोचा था कि कल हम कुछ ऐसे कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस लाने वाले हैं जो कि आईआईटी और नीट में अच्छे अच्छे मतलब क्वेश्चंस हैं, सुनना सुनना कोई बात नहीं, तो वो मैं जो तुम्हारा अपना चैप्टर कौन सा अभी खत्म हुआ रिसेंटली, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नहीं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल काइनेटिक्स, तो सुनना सृजन, केमिकल काइनेटिक्स से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स ही आते हैं, तो हम तुम्हें मतलब 10 AIEEE के 10 IIT के और 10 NEET के क्वेश्चन 30 क्वेश्चन का कलेक्शन किया था, मैं सोचा था कि कल सबको ट्रिकी स्टाइल में सॉल्व करके दिखाएंगे अपने कॉन्सेप्ट को जो हमने जिस तरीके से हमने पढ़ाया, और तुम्हें ये एहसास दिलाने वाले थे कि कितना आसान है और कितने आसानी से, तो बच्चा का कहना कि सर हमको रहने दीजिए, हमको 12 पहले पास करने दीजिए, ठीक है हमको ये नहीं करना है, तो बोले ठीक है भाई हमारा क्या जाता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन जब पढ़ाए थे 10 साल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया था हमने, बच्चे ने खुद कर दिया था, ये जो थोड़ा बंटा है ना वो भी था उसमें से, और यही वजह था एक चैप्टर पढ़ के वो इस मतलब स्कूल में सबसे अच्छा मार्क्स लाया था ना केमिस्ट्री में, बस एक चैप्टर पढ़ के गया था और बाकी थोड़ा बहुत आइडिया लेके गया था, हाईएस्ट मार्क्स लाया था 47 समझ में, पूरे स्कूल में सबसे हाईएस्ट, अगर वो
काफी अच्छे से पढ़ा था और वो चैप्टर आ गया था ना 15 नंबर के करीब नहीं आ गया था 15 मार्क्स के 15 मार्क्स के आए कितने ऑब्जर्वेशन के मेरा खुद 46 आया था तेरा खुद 46 था तो 11th में सब हो गया हाफ तो 12th में नहीं करना चाहते हैं साफ इसलिए मतलब इन टोटल था या फिर उसका ओरिजिन प्रतिभा को ज्वाइन कर लीजिए आप सर फाइनल का 47 आया था या फिर इन टोटल 47 नहीं नहीं वो करने का मतलब 80 में से 80 नहीं 70 में से 70 का ही होता है इंग्लिश का. अब हम बात करेंगे स्टडी करंट और इन सर्किट स्टडी करंट इन सर्किट नेक्स्ट टाइम एक डायग्राम बना लीजिए स्टडी सर्किट हाँ बोलता है बॉडी लिया बॉडी बोलता है कि अगर तेरे को एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है ना तो बोलता है ओ सर दिखाई नहीं दे रहा है तो दिखाई नहीं दे रहा है तो अपना बॉडी खुद के लेके आ जा एक डेड बॉडी होता है उस पर 10-20 डॉक्टर एक्सपेरिमेंट जाता है कंधे पर मार के ले आता है तो बोलता है ये लो आ गया बॉडी वो भी टूरिस्ट है टूरिस्ट का मरता नहीं है उसको बेहोश रहता है आता है तो डॉक्टर उसको इलाज करके देता है बोलता है यार ले आ ले तेरे को मैं स्पेशल बॉडी दूंगा तेरा अलग से एक्सपेरिमेंट कराएंगे ठीक है मान ले यहाँ 2 एम्पियर तो यहाँ पे भी 2 एम्पियर था ये जो है तुम्हारा ये है बातें नहीं सोर्स ऑफ ई एम एफ चार्ज पंप भी इसको बोल सकते हैं चार्ज पंप अभी एक्सप्लेन करते हैं ठीक है ये तुम्हारा रेजिस्टेंस क्लोज चार्ज फ्लो सर्किट डायग्राम बना लिए नीचे लिखिए एज शोन इन फिगर बनाइए सब बनाइए रेजिस्टेंस किया था तानिया दिख रहा है सब कुछ क्लियर है अचूक परमिता परमिता सील है यार यांग रे परमिता सील मिला है क्या बोल रहे है कुछ परमिता आवाज नहीं आ रहा है मैसेज आया सील अच्छा सील है क्या बात करते हो भाई रियांग को बुखार है चलो ठीक है कोई बात नहीं लेकिन अभी तक ये फोटो नहीं लगाया प्रोफाइल पिक लगा देने से हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाएगा फ्लो सर्किट वो उधर पे चार्ज पंप सोर्स ऑफ ईएमएफ ईएमएफ स्मॉल एफ है अरे पी नहीं है भाई ईएमएफ है अब ये मार्कर का पॉइंटर इतना तेरे पेन की तरह थोड़ी है कि जैसे जैसे घुमाएंगे वैसे वैसे चलेगा वो तो थोड़ा बहुत हो ही जाएगा सी ही दिखता है इसी दिखता है परंतु भावनाओं को समझो हम कहना क्या चाह रहे हैं ठीक है अभी तो लिखो एज शोन इन फिगर आज तो दिखती भी आने वाली थी सर इंस्टा पे मैसेज कर रहे थे पर आई नहीं पॉजिटिवली चार्ज शायद ये लोग नहीं है इसलिए ना पॉजिटिवली चार्ज या पॉजिटिव चार्ज भी लिख सकते हो पॉजिटिव चार्ज एज शोन इन फिगर पॉजिटिव चार्ज फ्लोज साइमल्टेनियसली इन अ कंडक्टर फ्रॉम हायर पोटेंशियल ब्रैकेट में ए डाल देना हायर पोटेंशियल हमने प्लस साइन ए के साथ दिखा रखा है डायग्राम में ठीक है ना हायर पोटेंशियल ये टू लोअर पोटेंशियल के बाद ब्रैकेट में बी डाल दो दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो फ्लो करता है स्पॉन्टेनियसली किसी भी कंडक्टर में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल में अगर यहाँ पे मैं बात करूँ ये ए से लेके बी की तरफ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में फ्लो कर रहा है ठीक है नहीं समझे फुल स्टॉप आगे लिखिए टू मेंटेन स्टेडी करंट थ्रू द कंडक्टर स्टेडी करंट का मतलब समझ में आया आपको
फ्लक्चुएशन ना होना, एकदम इक्वल करंट फ्लो करना, समझ रहे हो तानिया? इक्वल मत करंट, जैसे दो एम्पियर फ्लो कर रहे हैं यहाँ तो दो एम्पियर हर जगह पे, दो एम्पियर कॉन्स्टेंट करंट कह सकते हैं, ठीक है? तो क्या लिखा, टू स्टेडी करंट थ्रू द कंडक्टर कॉमा सम एक्सटर्नल डिवाइस मस्ट डू वर्क एट ए स्टेडी रेट टू टेक पॉजिटिव चार्ज टू टेक पॉजिटिव चार्ज एक बार में पूरा सुनो उसके बाद लिखने, बार बार बीच में मत पूछो, इसलिए मेरा भी तब गलत हो जाएगा, फ्लो टूट जाता है ना। फ्रॉम लोअर पोटेंशियल ब्रैकेट में लिखना बी टू द हायर पोटेंशियल ए, एसटीडी करंट को मेंटेन रखने के लिए उस कंडक्टर में हम क्या करते हैं कि कुछ एक्सटर्नल डिवाइस का यूज कर लेते हैं, ठीक है, जो क्या करता है एसटीडी रेट से पॉजिटिव चार्ज को लोअर पोटेंशियल से लेकर हायर पोटेंशियल की तरफ मूव कराता है, ठीक है। सच अ डिवाइस, आगे लिखो, सच अ डिवाइस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। Such a device is the source of electromotive force, ब्रैकेट में ये मैं लिख दूँ, वही है ये, मतलब सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, समझ आया, ब्रैकेट में ये मैं लिख दो अगर कंफ्यूजन है तो, विच मे बी एन, अब जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो एक सेल भी हो सकता है, एक जनरेटर भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी यहाँ पे बस लगा देना है ताकि कॉन्स्टेंट करंट फ्लो करता है, स्टेडी करंट फ्लो करता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, विच मे बी एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एन इलेक्ट्रिक जनरेटर। अरे चुप परमिता, समझ में आया तानिया? हाँ बोलो। हाँ सर, ठीक है। अगला टॉपिक है ओम्स लॉ। सर मैं टॉपिक ये वाला टॉपिक हमारे 11 इंस्टीट्यूशन में स्टार्ट हो गया ताकि ओम सर ओम्स लॉ पढ़ाए, हमारे सर का नाम ही ओम है ना, इसलिए एक बार गलती से उसको ओम रोखू मिला दिया, मुझे ग्रेस रोखने मिला दिया, ओम्स लॉ रेजिस्टेंस के बारे में है ना, रेजिस्टेंस के बारे में लिखो। द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड। ज़्यादा डीपली नहीं चर्चा करेंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर से निकाल देते हैं क्योंकि टेंथ में तो ये पढ़े थे, ठीक है ना। टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स कॉमा प्रोवाइडेड द टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड्स कॉमा प्रोवाइडेड द टेम्परेचर and are provided 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 the temperature and other physical condition
प्रोवाइडेड द टेम्परेचर लिख लिया, उसके बाद अदर फिजिकल कंडीशन रिमेन्स अनचेंज, बाकी जो दूसरी फिजिकल कंडीशन है वो अनचेंज रहेंगे, ठीक है। इसका ग्राफ होता था वो कैसा होता था, वी इज इक्वल वी और आई का बीच का ग्राफ, करंट इधर पे होता था, जो पोटेंशियल होता था इधर पे होता था, ये कॉन्स्टेंट होता था ना। दस साइड में बनाना, साइड में बना लो ये इधर पर लिखा, दस पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, है ना, मीन्स वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस आ जाता था, रेजिस्टिविटी आई आर, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल से इसी को उल्टा पुल्टा करके, मतलब ये पता चल गया कुछ भी हम निकाल सकते हैं, v इक्वल टू r करो, i इक्वल टू v r करो, r इक्वल टू v y करो, ये सब उल्टा पुल्टा करो और आंसर निकालो, सही है ना। याद है टेंथ में इसका प्रूफ भी किए थे, v इक्वल टू r कैसे प्रूफ करते थे, परंतु अभी नहीं करेंगे ये सब काम, ठीक है ना, जो बचपन में चला गया, बचपन में जो काम कर लिया वो डिलीट हो गया इस बार के सिलेबस में, जो नया सिलेबस को जो कस्टमाइज किया है ना, समझा सृजन, टेंथ के नाइन्थ के बुक पतले हो गए पहले से, 60-70 पेज कम हो गए, एनसीईआरटी मैथ की बात करें, रेजिस्टेंस का ही तो रेजिस्टिविटी होता है, वो डिपेंड करता है इसका करने का प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टिविटी, लिख ही लो इसी बात पर, रेजिस्टेंस हेडिंग लिख दो, रेजिस्टेंस को जब बात छिल दिया तो लिखा देता हूँ, मैं बैठ जाता हूँ, ठीक है, तो लोग सुन के लिखो, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी क्या, पेन खत्म हो जाता है, बताओ, पेन में जब कमी इंक बचता है ना तो उसको घर पे रख दो, मतलब रफ वर्क करने के लिए, जो फिर से बोल रहा हूँ, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ चार्जेस थ्रू इट, फुल स्टॉप, The more the resistance, comma, then the less is the current. Current I for a given potential difference. Full stop. It is equal to the ratio of potential difference applied across the conductor of the current. Flowing through it. Thus, हम कह सकते हैं कि R is equal to V upon I होगा, R is equal to V upon I. हमने लिखा कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है, मतलब जितना ज़्यादा ओम का रेजिस्टर होगा, जितने ज़्यादा उसकी मतलब कैपेसिटी होगी रोकने की, उतना पावरफुल रेजिस्टेंस माना जाएगा। अब देख आगे लिखा है कि द मोर द रेजिस्टेंस द लेस इज द करंट, मतलब रेजिस्टेंस जितना बढ़ेगा करंट उतना ही कम फ्लो करेगा, ठीक है, जितने ज़्यादा पावर के लगाएंगे, फॉर अ गिवन पोटेंशियल डिफरेंस, दिए गए पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है, रेजिस्टेंस जो होता है ये रेशियो होता है पोटेंशियल बाय करंट का, हो गया, ये भी ओम लॉ ही है, v इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, नीचे ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम,
पूरा बच्चे 12 पास कर ले तो वो बनाना साइन बनाना नहीं आता, हमको भी नहीं आता था, आता ऐसे बनाते ठीक है। वन ओम का मतलब क्या होता है, वन ओम का मतलब क्या होता है, वन वोल्ट पर एम्पियर, वन वोल्ट पर एम्पियर, नीचे लिख लो वन ओम का मीनिंग, स्टार डालो यहाँ पे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, स्टार डाल के नीचे लिखो बेटे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी वन ओम किसी भी कंडक्टर को रेजिस्टेंस को हम वन ओम तब कहेंगे, ठीक है, वन ओम तब कहते हैं इफ अ करेंट ऑफ वन एम्पियर, इफ अ करेंट ऑफ वन एम्पियर flows through it and applying a potential difference of, and applying a potential difference of 1 volt across its pins, ठीक है, फुल स्टॉप, नीचे लिखो एक और स्टार पॉइंट, एनी मटेरियल दैट हैज सम डिस्टेंस, एनी मटेरियल दैट हैज सम डिस्टेंस, एनी मटेरियल दैट हैज सम डिस्टेंस इज कॉल्ड अ रेजिस्टर, इज कॉल्ड अ रेजिस्टर, कुछ कुछ डायग्राम्स है जो तो तुम्हें तो आता ही होगा, फिर भी एक बार रिवाइज करा देता हूँ, वो सब तुम्हें पता होना चाहिए, मतलब कंपोनेंट कह सकते हैं, जैसे फिक्स्ड रेजिस्टर, रेजिस्टेंस पता होगा, रोस्टेड के बारे में पता होगा, फिक्स्ड रेजिस्टर का कैसा सिंबल होता है, फिक्स्ड रेजिस्टर का ऐसा होता है, जो तुम रेजिस्टर का सिंबल बनाते थे ना, यही होता है फिक्स्ड रेजिस्टर का, जो ऐसे करके जो चेंज नहीं होता, ठीक है। वेरिएबल रजिस्टर, ये तो तुमको पता ही है, इसको रोस्टेड भी बोलते थे, ठीक है, लीड ऐसा होता था इस टाइप से, ये देखने में ऐसा ही होता है, 2D व्यू देखेंगे ना तो ऐसा ही होता है, और इसको हम इस प्रकार से दिखा देते हैं। इसके बाद पोटेंशियल डिवाइडर ये कैसा दिखता है, ये ऐसे ही, मतलब रेजिस्टेंस जो है तुम्हारा रजिस्टर को दिखाते हैं, इधर पे एक एरो लगा देते हैं, ये सब तेरे लिए नहीं है ना, ये पोटेंशियल डिवाइडर का साइन। बाकी मीटर्स में अगर बात किया जाए तो वोल्ट मीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, ये सब तो पता ही होगा। मीटर में अगर मैं बात करूँ तो एक होता है वोल्ट मीटर, जिसमें भी लिखा होता है, एमीटर, इस प्रकार से होगा, और गैल्वेनोमीटर में जी लिखा होता है, ठीक है, और एक इसका दूसरा भी नोटेशन होता है जिसमें ऊपर की तरफ एरो लगा होता है ऐसे, ये भी गैल्वेनोमीटर, ये भी रिप्रेजेंट करता है गैल्वेनोमीटर को। ये सब हो गया सिंबल ऑफ रजिस्टर एंड मीटर, ठीक है, इधर सिंबल फॉर रजिस्टर एंड मीटर, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करता है, पैरेलल कनेक्शन लगाते हैं इसको, मतलब पैरेलल ही लगाते हैं, एमीटर करंट मेजर करता है, सीरीज में लगाते हैं, गैल्वेनोमीटर कहाँ पर कहीं पर भी लगा दो, बस ये प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बताता है कि करंट है कि नहीं, बस लाइट जो रेड कलर के तुम्हारे पहले पुराने टाइप के जो स्विच बोर्ड होते थे उसमें नहीं, ऐसे इंडिकेटर जिसको बोलते थे वही इंडिकेटर। नेक्स्ट टॉपिक इज मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। सर जी, सर सर वो गैल्वेनोमीटर में लास्ट में क्या लिखा हुआ है, वो सर्कल के अंदर
ये कुछ नहीं लिखा हुआ है, गैल्वेनोमीटर को ऐसे भी डिनोट करते हैं, और इसको मतलब दो सिंबल, जैसे इनके दो सिंबल है ना, इसके भी है, एक सर्कल है और इसके नीचे ऊपर की तरफ एरो लगा हुआ है, ये भी गैल्वेनोमीटर का साइन है, ये भी गैल्वेनोमीटर का साइन है। नोटिफिकेशन आ गया होगा ना, अब मैं क्या करूं यार, क्या हुआ, हाथ गंदा हो गया क्यों? इंक से कौन सा है ये वाला? मेरे में तो अभी तक गंदा गंदा नहीं हुआ। तुम लोग ने पता है ये तुमने जो खोला होगा ना उसको टच कर लिया होगा। अच्छा पेन किंग से लाख बढ़िया से रगड़ दोनों हाथ से। ले कोरोना वायरस को मारो सर, इसको बाल में लगाने से कुछ होगा? बाल में लगाया कहाँ से लगाया, वायरस को उसका लगा लिया, डेंड्रफ नहीं जाएगा, कोरोना वायरस को मारेगा, डेंड्रफ वायरस डेंड्रफ को नहीं मारेगा, वो वायरस नहीं है। फिर तो तू इसको पी ले, पेट के भी बैक्टीरिया मर जाएंगे, ठीक है ना? सारा बैक्टीरिया मर जाएंगे। मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेलिंग दे दिए, नेक्स्ट हेडिंग दीजिए मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। 10% तेरा खत्म हो गया, समझे रहे? ग्रेस ग्रेस 10% खत्म हो गया अभी। हाँ 9 क्लास मतलब क्या, एक सप्ताह मॉर्निंग में पढ़ा दिए, इवनिंग में भी पढ़ा दिए, तो खत्म 7 और 3 10 सही है ना? तो अभी हम केमिस्ट्री पे थोड़ा टारगेट किए हुए, जहाँ 3 दिन लगातार की केमिस्ट्री तुरंत खत्म हो गया। और देखो इत्तेफाक देखो, फर्स्ट चैप्टर खत्म हुआ तो फिजिक्स केमिस्ट्री एक साथ हुआ था, सेकेंड भी खत्म हुआ तो परसों तुम्हारा फिजिक्स हुआ, नहीं कल रात को फिजिक्स हुआ था ना, कल नहीं परसों ही हुआ था, परसों रात को फिजिक्स खत्म हुआ और आज सुबह में केमिस्ट्री खत्म हुआ, और कल क्या हुआ, मैथ खत्म हुआ। सृजन कल मैथ भी तो खत्म हुआ, नया से शुरू हुआ ना, तीनों में लगातार, और ये इत्तेफाक हड़बड़ हो रहा है एक साथ। हाँ परसों फिजिक्स खत्म हुआ, कल मैथ खत्म हुआ, ये तो दिख रहा है, और आज केमिस्ट्री खत्म हुआ। एक फिगर बनाइए, वैसे आता ही है तुम लोग को ये, फिर भी इधर पे बैटरी लगा दिया, इधर पे मीटर लगा दिया, रेजिस्टेंस वोल्टमीटर कैसे लगाएंगे, वोल्टमीटर को कैसे लगाएंगे, पैरेलल कनेक्शन, ठीक है, ये वोल्टमीटर, और ये एमीटर, नेगेटिव पॉजिटिव ठीक है, इधर को पॉजिटिव हो जाएगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। और यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पर करंट का फ्लो दिखाया गया, हाई करंट फ्लो हो रहा है, वो तुम्हारा बैटरी हो गया, बस ये इतना जरूरी नहीं है, ये तो आता है, मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, वोल्टमीटर लगाएंगे पैरेलल में, यहाँ पे दो पोर्ट होगा लगाएंगे, हाँ एक का रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस है, या लोड मान लो एक सप्लाई हमने दे दिया, एक सप्लाई हमने दे दिया, यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है, ठीक है, एक बल्ब लगा रखा है, एक फैन लगा रखा है, ठीक है ना, पैरेलल कनेक्शन दे दिया, कोई बात नहीं, एक फैन लगा रखा है, इसको चेक करना कितना वोल्टेज जा रहा है, यहाँ पे लगाएंगे दो इंडिकेटर पता चल जाएगा, आता है सब कोई आता है। देखो एज शोन इन द फिगर, अ सिंपल सर्किट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर एक्शन इन फिगर, अ सिंपल सर्किट फॉर मेजरिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर लिख लिया इज गिवेन फुल स्टॉप। Here the battery
एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन, हेयर द बैटरी एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, लिख लिया ग्रेस, क्या छूट गया? हेयर द बैटरी एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन अ सीरीज विद द वायर, अरे ये भी पूछ लिए जा सकते हैं भाई, ब्लूटूथ को कैसे कनेक्ट करोगे, घुमा फिरा के दे देगा, केस स्टडी में दे देगा, केस स्टडी में पता है आसान क्वेश्चन होते हैं, केस स्टडी देखे हैं, केस स्टडी में आसान क्वेश्चन होते हैं सारे, सब कुछ देखे होते, घुमा फिरा के ए बी सी डी एक्स वाई जेड देखे कन्फ्यूज करा देता है और उसके बाद पूछ देता है कुछ आसान सा चीज। मैंने भी एक बार टेस्ट लिया था, ये होगा ऐसे हो जाएगा, एक गैस निकलेगा उस गैस का नाम बताओ, हाइड्रोजन गैस, आंसर इतना आसान सा, ठीक है ना? याद है जो तुम्हारा टेस्ट लिए थे केमिकल रिएक्शन इंडिकेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 14, पांच नंबर के, और चार लाइन में तुमने आंसर लिख के दिया था और पांच नंबर मिल गए थे। सीजन हाँ तो हम कहाँ तक लिखा है? एंड द वोल्ट मीटर इज, एंड द वोल्ट मीटर इन, एंड द वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद बैटरी एमिटर रेजिस्टेंस, ये सब क्या सीरीज में रहेंगे और जो तुम्हारा वोल्ट मीटर है वो पैरेलल में कनेक्ट रहेगा, फुल स्टॉप। द रेशियो ऑफ द वोल्ट मीटर, द रेशियो ऑफ द वोल्ट मीटर, द रेशियो ऑफ द वोल्ट मीटर रीडिंग, ब्रैकेट में वी लिख देना, एंड द एमिटर रीडिंग, वोल्ट मीटर में वोल्टेज पोटेंशियल मेजर होगा, द रेशियो ऑफ द वोल्ट मीटर रीडिंग ब्रैकेट में वी मतलब पोटेंशियल मेजर होगा, एंड द एमीटर रीडिंग ब्रैकेट में आई लिख देना, द एमीटर रीडिंग आई, ठीक है, गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, गिव्स द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, कुछ नहीं करना है, सिंपली सारा कनेक्शन कर देना है, वोल्ट मीटर को पैरेलल लगा देना है, एमीटर को सीरीज में लगा देना है, एमीटर को नापना है मतलब एमीटर से कितना करंट आया, ठीक है, वोल्ट मीटर में पोटेंशियल नापेंगे, पोटेंशियल को करंट से डिवाइड कर देंगे, मतलब वी अपॉन आई का रेशियो ले लेंगे, वी अपॉन आई आर, वही तो होगा रेजिस्टेंस, फिर से देखो वी इज इक्वल टू आई आर, ठीक है, ये किसी भी सर्किट का हम मेजर कर सकते हैं रेजिस्टेंस, तो टॉपिक था अपना मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस हो गया। आगे लिखो फैक्टर अफेक्टिंग द, ये सब टेंथ में काफी डीपली किए थे, यहाँ पे शॉर्टकट में करा रहा हूँ, ठीक है ना, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस पूरा एकदम एक क्लास लेके गए थे, पूरा डिटेल में लिखाए थे, लिखाए थे ना, लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल, एक्सटर्नल फैक्टर, आराम से चल रहा था, तो वहाँ पे अपना बेसिक बनाना था ना, इसलिए देखो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, ब्रैकेट में लिखो रेजिस्टिविटी, तुम्हारा घर कितना दूर है यहाँ से जाने में, सुनसान जगह तो नहीं है ना, मतलब ऐसा नहीं ना कि रात में जाने से दिक्कत होने वाली बात नहीं है ना, अगर प्रॉब्लम हो तो बताना मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। हाँ तो फर्स्ट लीजिए बात है कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, सुनो कौन कौन से ऐसे, पहले समझ लो कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो रेजिस्टेंस को प्रभावित करते हैं, मतलब जो करंट के फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं। पहला लेंथ ऑफ वायर, जितना लंबा लेंथ होगा करंट, रुकना बोल रहा हूँ, जितना लेंथ होगा तुम्हारा वायर का उतना ही करंट का फ्लो कमता जाएगा, ठीक है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी मैंने रखता है कि जितना ज़्यादा एरिया होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस उतने कम लगेंगे। तो लेंथ की बात किया जाए तो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस, लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ता है मतलब वायर, अगर ये देखो ये है पतला वायर, इसमें करंट फ्लो कर रहा है और क्रॉस सेक्शन एरिया इसका ये रहा, हमने मोटा वायर ले लिया, ये हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, तो इसमें ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसमें रेजिस्टेंस कम है, मतलब इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, फ्लो करने का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब इसमें कम वायर कम करंट फ्लो करेगा इस वायर में, इसमें ज़्यादा करेगा, इसमें कम क्यों करेगा क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा है, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेजिस्टेंस और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या रिलेशन हुआ, इनवर्सली,
उल्टा हो रहा है ना कि एरिया क्रॉस सेक्शन कम है, रेजिस्टेंस ज्यादा है। एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम है। एरिया ज्यादा होने से करंट ज्यादा फ्लो करेगा। एरिया का करंट का डायरेक्टली इनवर्सली मतलब डायरेक्टली रिलेशन है, ठीक है ना? ये बात आ गया समझ में? अब जो होता है एक चीज और है कि नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये एल्युमिनियम के या मान लो ये तीन कलर का हो गया, ये तुम्हारा कॉपर, ये हो गया तुम्हारा एल्युमिनियम, और ये होगा तुम्हारा मान लो नॉर्मल सा कौन सा होता है, चलो सिल्वर ले ले, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, सबसे ज्यादा करंट फ्लो करेगा, ठीक है? इसके बाद कॉपर में करेगा, इसके बाद इसमें नेचर पे भी डिपेंड करता। तो सर बोलोगे कि नेचर से कैसे पता चला? तो उसकी रेजिस्टिविटी वाला कॉन्सेप्ट है। इसकी रेजिस्टिविटी मतलब जो मतलब मेटल्स होते हैं ना, हर किसी का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है। उसका तो तुमने एक टेबल देखा होगा, ताकि होगा अब इन सारी बातों को लिख लो फटाफट। फर्स्ट पॉइंट लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, डायरेक्ट हेडिंग उसका फर्स्ट पॉइंट लिख दीजिए, लेंथ। लेंथ और ये चीज तुमने अनुभव किया होगा कि तू देखो दो लाइट लगा हुआ है, एक बाहर लगा हुआ है एक अंदर, और दोनों का स्विच एक साथ है। एक ही में कर दो, एक स्विच के ही साथ दोनों को कनेक्शन कर दो, और स्विच को ऐसे दबाओ ये वाला लाइट जल्दी जलेगा, एक सेकंड बाद जलेगा। ऐसे देखा कभी? एक लाइट यहाँ लगा दो, एक लाइट यहाँ, एक ही वायर में कनेक्ट कर दो, करंट जब ऑन करोगे इसमें जल तुरंत जलेगा, एक सेकंड बाद जलेगा, आधा सेकंड कुछ तो मतलब टाइम गैप होता है, नहीं होता है? और सिंपल सी बात है, एक लंबा सा वायर ले लो, उसमें एक साइड पे प्लग लगा दो, एक साइड पे बल्ब लगा दो, एक तो घर का बल्ब है, दोनों स्विच को एक साथ ऑन करो, देखो ये जो डायरेक्ट लगाया वो तुरंत जलेगा, ये जो वायर घूम घूम के गया वो बहुत देर बाद जलेगा, एक सेकंड कम से कम गैप कर देगा। कौन सा कट आउट? फ्यूज ना। हाँ तो फ्यूज में जो लगाते हैं, देखो कुछ लोग क्या करते हैं ना, बार बार फ्यूज उड़ जाता है ना, तो इससे परेशान होकर मोटा सा वायर डाल देते हैं कुछ लोग। अब ये कभी गले करने भाई साहब, वो आपकी सेफ्टी के लिए है, वो बार बार क्यों उड़ जा रहा है? क्योंकि आपके घर में फ्लक्चुएशन ऑफ करंट हो रहा है। नहीं वो लगा देते हैं जान बूझ के, कौन तेरा चेक करने के लिए आएगा? हाँ तो उसको मतलब खींच के लगा देता है। तो इससे क्या होता है, मेरे घर पर कुछ ऐसा किया था एक बार, मेरे बड़े पापा थे, बार बार गले आते थे, मतलब वो तो हर किसी को मतलब गाली देते थे। कैसे? बस में जाते तो उनको सीट नहीं मिलता था, बोलता था सब मर जाए, बस बैठ जाए, सब मर जाए, हमको सीट नहीं मिलता है, ट्रेन हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए। हमसे भी कितना दिन, हाँ हमसे भी कितना दिन झगड़ा हो गया कि भाई आप ऐसे काहे बोलते हैं, सब काहे मर जाएगा, तो बोलता है सब मर जाए, हमको सीट नहीं मिलता है, जनसंख्या बढ़ गया है, ठीक है? तो आप भी, तो बोलता है हम भी मर जाए, ठीक है? तो सुनो मेरी बात, तो किया क्या हमने, अपने घर में स्विच लगाया था, उसने अपने मतलब सारे, तो अब आके बार बार फ्यूज उड़ जा रहा था, तो गुस्से में आके एकदम मोटा सा वायर नहीं होता है वो छील के दांत से एकदम बढ़िया से काट करेंगे, बोला अब साला उड़ के दिखा, कुछ नहीं हुआ, अगले दिन सारे बल्ब लाइट सारे उड़ गए। अरे बात समझ में? फिर बोल रही कैसे हो गया? मैं बोला यूज आपको पढ़ना चाहिए था, अच्छा ठीक है, लिखो लेंथ। द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर, एक्सप्लेन करिए लेंथ को। द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर, एक एक लाइन बस लिखाएंगे। द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ कंडक्टर is directly proportional to its, is directly proportional to its length, means R ऐसे लिख देना लास्ट में, directly proportional to L ऐसे लिखा देना, ठीक है ना? Second point, area of cross section. इधर अब भी area of cross section. द रेजिस्टेंस आर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को डिफाइन कीजिए, मतलब इनके बारे में लिखिए। देखिए हेडिंग, द रेजिस्टेंस आर ऑफ अ यूनिफॉर्म कंडक्टर, हाँ यूनिफॉर्म वो पहनने वाला नहीं, ठीक है, यूनिफॉर्म कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल to its area of cross section, to its area of cross section A, area of cross section A, that is R inversely proportional to A, R inversely proportional to A. नेक्स्ट टॉपिक इज मतलब थर्ड पॉइंट,
नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, ठीक है। तो आर रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ मटेरियल, लिख भी सकते हैं, नहीं तो वैसे भी लिख देने को जा रहा है। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल को रो से डिनोट करते हैं, किससे? रो, रो, ऐसे ऐसे, पी नहीं, रो, देख लो ऐसे लिखना, ऐसे ऐसे पी लिख के उल्टा रो, इसको क्या बोलते हैं? आर एच ओ, रो, ठीक है। और जो रेजिस्टेंस का जो रिलेशन होता है रो के साथ क्या होता है? आर जो होता है वो होता है एल, मतलब इन दोनों को ये देखो, इन तीनों को एक सेकंड, रेजिस्टेंस मतलब इन दोनों को एक साथ कॉम्बाइन करके अगर लिखते हैं दोनों को या तीनों को, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? तीनों को एक साथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, और आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, तीनों को अगर मैं एक साथ लिखूं तो क्या लिखेंगे? आर इज इक्वल टू ऊपर में क्या है, एल रो, एल रो डिवाइडेड बाय ए, एल रो बाय ए मीन्स आर इज इक्वल टू लेंथ पर यूनिट एरिया इन टू नेचर ऑफ मटेरियल मतलब डेंसिटी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, ठीक है। ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी लास्ट में लिखना, इसको रेजिस्टिविटी बोलते हैं, रो को एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, एस आई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर, ओम मीटर, ओम मीटर, ठीक है। करेंगे और या रहने दे, रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगला टॉपिक है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, डालो हेडिंग रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। The resistivity, the resistivity or specific resistance, the resistivity or specific resistance of a material may be defined as the resistance of a conductor of that material, resistance of the conductor of that material, comma, having unit length, and unit area of cross section. और इट इज द मतलब दूसरे तरीके से इन अदर वर्ड्स इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इन अदर वर्ड्स नहीं भी लिखने से हो जाता और लिख के ठीक है और इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द यूनिट क्यूब of the material of a conductor cube unit cube का मतलब area मतलब length breadth height सब कुछ one होना चाहिए one ठीक है ना volume one होना चाहिए ठीक है it is the resistance offered by the unit cube of the material of a conductor तो आज इतना ही रखते हैं अगला टॉपिक जो अपने अगले क्लास में होने वाला है ठीक है वो होगा तुम्हारा करंट डेंसिटी ठीक है और ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आज के क्लास में इतना ही जय हिंद सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करिए हाँ सर जी बोलिए सर आज का नोट थोड़ा भेज देने के लिए बोलिए आपने नहीं लिखा क्या है हला नहीं आपने नहीं लिखा क्या सर बीच में थोड़ा छोड़िए अच्छा ठीक है मैं अभी भिजवा देता हूँ नोट्स ठीक है